पाप पुण्य की मीमांसा तो कर ली, लेकिन पाप पुण्य को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान भी कहते हैं गहना कर्मणो गति ही। पाप पुण्य को समझने के लिए क्रांतदर्शी भी मोहित हो जाते हैं। पता नहीं इस बालक का क्या होने वाला। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, ऊर्ध्वमूलमधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दनाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथो गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यार वो बॉस बहुत बुरा है, हमेशा प्रेशराइज करता रहता है, प्रमोशन भी नहीं करता। मैं तो बोलता हूँ उसकी नौकरी चली जाए, वो बर्बाद हो जाए। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो परमात्मा का ध्यान करना था। मैंने तो बॉस की ही बुराई की, अब इस पूजा से पुण्य होगा या पाप ये कौन समझाएगा। मुझे तो इसे जानना ही है। उन्होंने कहा था स्मृति ग्रंथ पढ़ो, चलो पढ़ ही लेता हूँ। पूरा बुक पढ़ लिया फिर भी समझ में नहीं आया ये पाप पुण्य होता क्या है और इसका मेरे लाइफ पर क्या इफेक्ट है। नाउ आई हैव टू कॉल हिम। श्रुते स्मृते पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादश शंकरं लोकशंकरं। आज पूजा में पाप किया या पुण्य किया, वही तो सवाल है। ये पाप पुण्य होता क्या है, ग्रंथ पढ़े फिर भी समझ में नहीं आया। बड़ा आसान है, जो क्रिया व्यक्ति विचार तुम्हें परमात्मा के पास लेके जाता है उसे पुण्य कहो, और जो व्यक्ति वस्तु विचार तुम्हें परमात्मा से दूर लेके जाता है उसे पाप कहो। जब तुम पूजा कर रहे थे तब तुम परमात्मा के पास थे तो वो क्या हुआ, पुण्य। और जब तुम बॉस की बुराई कर रहे थे तब तुम परमात्मा से दूर थे तो वो क्या हुआ, पाप। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। मतलब मुझे ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो मुझे भगवान से दूर लेके जाते हो, am I right? बिल्कुल सही। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति मानवाः पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः पापस्य फलम नेच्छन्ति मानवाः पापम कुर्वन्ति यत्नतः। सभी को सुख चाहिए लेकिन पुण्य कोई करता नहीं, और किसी को दुख नहीं चाहिए लेकिन यत्नतः पाप करते हैं। हाँ वो भी है, दैट्स रियलिटी। लेकिन मेरे दिमाग में अब एक सॉलिड डाउट आया है। आपने कहा था
पुण्य करने से सुख मिलता है और पाप करने से दुख, राइट? बिल्कुल। और आप ही ने कहा था जब पाप और पुण्य समान हो जाता है तभी मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। हाँ, वो भी सही है। अगर सभी मनुष्य के पाप और पुण्य समान है तो फिर सभी के सुख दुख समान क्यों नहीं? इस सवाल के तीन जवाब हैं। पाप पुण्य समान होता है, इसका मतलब 2000 पाप और 2000 पुण्य ऐसा नहीं है। जैसे कि हम सब्जी लेने बाजार जाते हैं, सब्जी तोलते वक्त तराजू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, फिर भी हम उसे समान मानते हैं। ठीक उसी तरह पाप पुण्य भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिर भी वो समान ही है। ओके, ये तो मैंने भी देखा है। दूसरा आंसर? जैसे 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, दोनों का वेट तो सेम ही है। ठीक उसी तरह कुछ लोगों का पाप लोहे की तरह घन होता है जो उन्हें बहुत दुख देता है, और कुछ लोगों का पुण्य रुई की तरह विस्तारित होता है जो उन्हें बहुत सुख देता है। हालांकि दोनों समान ही है। इट्स वेरी डीप। व्हाट इज लास्ट आंसर? आश्चर्य की बात यह है, सुख और दुख समान ही है। सभी को 1000 रुपए ही दिए गए हैं, किसी को 500, 400, 100 ऐसे करके मिलते हैं, किसी को 100, 100, 100 मतलब थोड़ा 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 सुख मिलता है। किसी के जीवन में अचानक से दुख आ जाता है, किसी के जीवन में थोड़ा 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 दुख आता है, लेकिन सिद्धांत तो ये है सुख और दुख समान है, पाप और पुण्य समान है। Wow, that's amazing। मतलब मेरा पड़ोसी सुखी है तो मुझे जलना नहीं चाहिए, क्योंकि उतना ही सुख मुझे कभी ना कभी मिलेगा। अगर मेरा पड़ोसी दुखी भी है तो भी मुझे खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतना ही दुख कभी ना कभी मुझे मिलने वाला है। अब तुम्हें सब समझ में आया है। लेकिन ये पाप पुण्य का क्या कारण है? मैं क्यों पाप और पुण्य करता हूं? आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं। त्यक्त्वा गृहे रतिमधो गति हेतु भूतां आत्मेच्छयोपनिषदर्थ रसं पिबन्तः।